हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो सभी लोग। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए करण ओजला की एल्बम का इंट्रो जो आया है, और एल्बम का नाम है बक द फक अप। और इसका इंट्रो पड़ा है स्पीड रिकॉर्ड्स के लेवल में, और मुझे लग रहा है इसके गाने भी सभी स्पीड रिकॉर्ड्स के लेवल में ही पड़ने हैं। और मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इंट्रो की ओर। दसा मैं अपने बारे जिंदगी ने की सिखाया ते की दिखाया तीन कमरे एक। बोल रहे हैं कि दसा में जिंदगी के बारे, जिंदगी ने बड़ा कुछ दिखाया दिता ये वो, मतलब कि कुछ स्ट्रगल के बारे में भी इनके गाने होने लगे थोड़े, जहां तक लग रहा है मुझे। तीन कमरे एक रसोई, बेबे का उही सूट ते बापू दी उही लोई, अज भी ओदी बुक्कल वर्गा निग दंदी है ताही हिक नाल लाके रख, ते दस्या सी ओने भी बाली थां ना लाई ताही इक नाल लाके रखदा, ते आ जिंदगी दा मैनू पता सी भी रब तो उधारी है, ते छोटे हुंदे पंडित कह गया सी भी शनि मुंडे ते भारी। मतलब कि बोल रहे हैं कि जिंदगी दा इनको पता है कि ये दो तारिया, पर जब ये छोटे थे इनको पंडित ने बताया था, पंडित जी ने बताया था कि ये जो जिंदगी है ये दो तारी है और शनि मुंडे ते भारी है, मतलब शनि तेरे पे भारी है। और आओ देखते हैं आगे। ते छोटे हुंदे पंडित कह गया सी भी शनि मुंडे ते भारी है, गलेला ते गडोड़ियां तो कन्ना ते गोड़ियां तक दा सफर, लगे कंडियां तो गड्डे झंडियां तक दा सफर, कुलियां पहला तो ते हुण महिला तक दा सफर, नाले टैमा माड़ियां तो अखाड़ियां तक दा सफर, सफर चल रहा है ते सफर जारी रहो। सफर जारी रहो। मतलब कि बोल रहे हैं अच्छे कामों से बुरे कामों का सफर, मतलब बुरे से अच्छों का सफर, मतलब वो सफर चलता ही रहेगा और चल रहा है। ओ थोनू लगदा मुक गया, कदे भीड़ च हुंदा सी ते हुण कठ च ना, चलो ता भावे बाहर रहने आ पर जे लोड पै जावे ता पिंड दी सत्त च ना, परवाह नहीं मारी दी कौन किए दा, जट ता बस स्वाद लेंदा, आखरी गल उना लई जेडे कहंदे जवाक आ इहदे दिमाग नहीं, ओ कमले ओ इहदा ओही गल करती भी है ओ सुरा जिहदा कोई राग नहीं। ओ जेड़े कहंदे आए जवाक आ ए जवाक दी ए ता ओही सुर है जिहदा कोई राग नहीं। ओ भाई ओपी लिया बाबियो पर आखरी नहीं चक दो कहीं राग नहीं जिहदा ते टेप पहली आ बाबियो पर आखरी नहीं चक दो कम ते कर लो स्पीकरां दी आवाज खलारा पैण वाला भाई जी। टेप पहली आखरी नहीं तो लास्ट में बोला खलारा पैन आ लिया भाई जी, यार वो मतलब कि एक बार फिर सुनेंगे यार, बड़ा तगड़ा बोला। टेप पहली है बाबियो पर आखरी नहीं चक दो कम ते कर लो स्पीकर दी आवाज खलारा पैन आ लिया भाई जी। पक्ता फक अप। और ये था हमारे पास इंट्रो बक द फक अप, और काफ़ी तगड़ा इंट्रो था यार। मतलब इन्होंने थोड़ा अपना स्ट्रगल के बारे में भी बताया, और थोड़ा सा ये भी बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि जवाक है, उनको मैं बता दूं जवाक नहीं है, ये है वो है, और थोड़ा सा इन्होंने लास्ट में बताया कि खिलारा पैन आला भाई जी, मतलब कि गिन चुन के इनको जो गाने होने लगे वो स्ट्रगल पर भी होने लगे, और इनकी मेहनत पर भी होने लगे, और जो इनके बारे में बोलते हैं उनके लिए भी होने लगे, और साथ में इनकी मम्मा पापा के लिए भी थोड़ा सा मुझे लग रहा होने लगा, क्योंकि इन्होंने शुरू पे उनको लगाया मतलब कि डाला वीडियो में कि ये मेरे माता पिता का ये वो रूम था, तीन कमरे थे एक रसोई थी, उनके कपड़ों को मैं चूमता हूँ, प्यार करता हूँ उनसे, ये तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि उनके माता पिता भी इन्वॉल्व होने लगे थोड़े से और गाने में। और आप भी बताओ कमेंट करके आपको कैसा लगा ये इंट्रो, मुझे काफ़ी तगड़ा लगा, और मैं तो इनका फ़ैन हुई लेकिन सिद्धू पाजी का भी हूँ, लेकिन मैं दोनों का ही हूँ, मतलब किसी का ज़्यादा कम नहीं, दोनों क्योंकि अच्छे बहुत बेहतरीन सिंगर्स में आते हैं। और आप भी बताओ आप किसके फ़ैन हो कमेंट करके, और मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।